Now DPP number 10, this is based on concentration terms. तो क्वेश्चन नंबर वन आपसे बोल रहा है मोलारिटी सॉल्यूशन की आपको डिफाइन करनी है. तो ए पार्ट, व्हाट इज द मोलारिटी? मोलारिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो 4 ग्राम ऑफ NaOH बेसिकली 4 डिवाइडेड बाई 40 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, सो 200 अपॉन 1000. दिस इज द मोलारिटी ऑफ ए पार्ट. मोलारिटी ऑफ NaOH जो कि मोलारिटी आपकी कितनी आएगी, दिस इज 0.5. नाउ बी पार्ट, 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व. तो मोलारिटी ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज व्हाट? दैट इज Na2CO3. इसका मोलर मास आप ऐड करेंगे, इट इज 106. तो बेसिकली वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 5.3 अपॉन 106 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000. दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 1/2, बेसिकली 0.5. ये भी हो गया. नाउ सी पार्ट, HCl, मोलारिटी ऑफ HCl, वेट इज 0.365 डिवाइडेड बाई मोलर मास 36.5 अपॉन वॉल्यूम 50/1000. दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 1/5. तो ये पहले वाले की मोलारिटी हो गई. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम, देन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन? इसकी हम पहले डेफिनेशन लिख दें. तो इसकी डेफिनेशन हो गई 13 ग्राम of H2SO4 present in by mass है, तो 100 ग्राम of solution. और आपको पता है कि mass is equal to volume into density, so now 13 ग्राम of H2SO4 प्रेजेंट इन, इसमें ml में चेंज कर लें, तो 100 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इज हाउ मच? 1.09 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन. तो बेसिकली 100 डिवाइडेड बाय 1.09 it is coming to be 91.74. this value is 91.74 ml. so molarity is number of moles, 13/98 upon volume in liters, so 91.74 divided by 1000. So this is 13 × 1000 upon 98 × 91.74. इस वैल्यू को देखें आप. नाउ दिस वैल्यू इज 13000 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 91.74, it is coming to be 1.44. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन 40% बाई मास ऑफ HCl,
सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 40 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं आप कि 40 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 अपॉन डेंसिटी 1.2 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली 100 डिवाइडेड बाय 1.2 दैट इज 83.33, दिस वैल्यू इज 83.33। आपको मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, 40 डिवाइडेड बाय 36.5 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, सो 83.33 डिवाइड बाय 1000, सो दिस इज 40 इनटू 1000 अपॉन 36.5 इनटू 83.33। इस वैल्यू को आप चेक कर लें कि ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 12.8 आई थिंक। आप इसको वेरीफाई कर लें, 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 83.33। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये इसकी मोलारिटी हो गई। नाउ 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.9 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो आप फोर्थ क्वेश्चन में बोल सकते हो कि डेंसिटी, हमको डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.9 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। तो बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज 90 ग्राम, दिस इज 90 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है मास परसेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मास परसेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल MEOH, तो मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल दैट इज 15 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 90 इंटू 100। इस वैल्यू को आप देख सकते हो, दिस वैल्यू इज 1500 डिवाइडेड बाय 90। दिस इज आवर आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट को देखें, यूनिट्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन और पर बिलियन आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, द यूनिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन और पर बिलियन ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, बी ऑफ बंगाल हैविंग 1.9 ppm ऑफ लिथियम आयंस, व्हाट इज द
molality of lithium ion in this water. Lithium ka jo atomic weight hai, this atomic weight is what? 7. To hum log yahan likh dete hain ppm. Ppm is equal to, aap dhyan karo, weight of solute upon weight of solution into 10 to the power 6. तो ppm को हम लोग ये भी लिखते थे कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट लगभग बराबर होगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 टू द पावर 6 तो ppm का वैल्यू जो है दैट इज द 1.9 दिस इज इक्वल टू weight of solute upon weight of solvent into 10 to the power 6. इसी से हम यहां लिख सकते हैं weight of solute upon weight of solvent that is equal to 1.9 into 10 to the power minus 6. अब इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं यहां लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 7 कर दिया तो ये मोल हो गया ऊपर इनटू 7 कर दिया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इसको 1000 से डिवाइड करा और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.9 इनटू 10 to the power minus 6. आप देख सकते हैं इस वैल्यू को ध्यान से देखना ये वैल्यू जो हुई दिस वैल्यू इज व्हाट दिस इज द मोलालिटी तो हमारा हो गया मोलालिटी इनटू 7 अपॉन 1000 is equal to 1.9 into 10 to the power minus 6. यहां से आप calculate कर लो, molality is equal to 1.9 into 10 to the power minus 3 upon 7. 1.9 into 10 to the power minus 3 upon 7. तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1.9 डिवाइडेड बाय 2.714 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 बहुत ही एक्सट्रीम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज की जाती हैं बहुत ही एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए इसके बाद 6 क्वेश्चन 6.9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH इसकी डेफिनेशन लिख दो डेफिनेशन होगी 6.9 मोल ऑफ KOH इन वाटर कंटेन 30% बाय मास ऑफ KOH मोल ऑफ KOH प्रेजेंट इन मोलारिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं
present in 1000 ml of solution. इस मोल को भी आप वेट में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 6.9 इनटू क्यूएच का मोलर मास 56 ग्राम ऑफ क्यूएच प्रेजेंट इन 1000 इनटू डी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब मास परसेंट ऑफ क्यूएच लिखते हैं तो मास ऑफ क्यूएच 6.9 इनटू 56 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन इज कितना, दैट इज 1000 डी. मास ऑफ KOH अपॉन मास ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट हो गया और नीचे हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. दिस इज गिवन एज 30%. दिस इज गिवन एज 30%. तो अब यहां से आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर लें कि डेंसिटी तुम्हारी कितनी आएगी. डेंसिटी आप देख सकते हैं 100 और ये दो जीरो गए. तो डेंसिटी आपको जब निकालनी है तो डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 6.9 इनटू 56 अपॉन 10 इनटू 30 विच इज इक्वल टू 6.9 इनटू 56 1.288 ग्राम पर ml. दिस इज आंसर. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन में द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ आयन इन ह्यूमन बॉडी इज 3 to 4 ग्राम पर लीटर. The molarity of Na plus ion is about. इसको आप देखें कि हम लोग लिख रहे हैं कि molarity of Na plus this is equal to 3 grams के लिए निकालें तो पहले 3 divided by 40 number of moles upon volume in liter. That is 1. तो बेसिकली 3/40 0.075. सोडियम एनिवेज ले लिया हम लोगों ने. सोडियम इज हाउ मच, 23. तो 3/23 दिस इज कमिंग टू बी 0.1304. नाउ मोलारिटी ऑफ Na+ प्लस फिर से अब तुम 4 ग्राम के लेकर निकाल लो. 4 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन 1 तो ये देख सकते हो आप 1/10 दैट इज 0.1. तो बेसिकली 4/40 ले लिया गया. 4/23. सो दिस वैल्यू इज 0.17. जब हम इस रेंज में लेंगे 0.1304 से 0.17,
तो यही एवरेज कॉन्सेंट्रेशन होगा Na प्लस का, और उसी के अबाउट ये मोलारिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइडाइन इन मोलारिटी इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.56 ग्राम BaCl2.H2O पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखें आप, हम यहां लिख रहे हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ BaCl2, तो BaCl2 बेरियम इज 137 प्लस, अच्छा BaCl2 ना लिख के आप देख सकते हो दैट इज हाइड्रेटेड BaCl2.2H2O, ये हमारा हो जाएगा बेरियम का 137, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन का 71, और आपका दो वाटर है, तो वाटर कितना होता है 18, और ये 36, तो दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 137 प्लस 71 प्लस 36, दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 137 प्लस 71 प्लस 36, दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 244। दिस इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ BaCl2.2H2O। ये हमारा, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा है 8H2O, तो 8H2O यदि यहाँ पर लेंगे आप तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू वाटर इज हाउ मच 18, सो दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 352। What is the concentration of chloridine? सबसे पहले हम BaCl2.8H2O की मोलारिटी निकाल रहे हैं। Now मोलारिटी ऑफ BaCl2.8H2O, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, तो 10.56 डिवाइडेड बाई 352 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम कितना है, द वॉल्यूम इज 1, तो दिस वैल्यू इज 10.56 डिवाइडेड बाय 352, इट इज कमिंग टू बी 0.03। अब आप लिखेंगे यहां पर BaCl2.8H2O, जब हम इसको आयनाइज करेंगे इट गिव्स बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 8H2O, और किसी भी आयन की मोलारिटी, तो Cl माइनस जो कि जो मोलारिटी होती थी दैट इज इक्वल टू Nc अल्फा, n इज हाउ मच दैट इज 2, C जो तुमने सोर्स की मोलारिटी निकाली, अल्फा नहीं दिया तो 1, सो दिस इज इक्वल टू 0.06, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 8% वेट बाई वेट एंड 10% वेट बाई वॉल्यूम, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज वेट बाई वेट, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना था, दैट इज 8/10, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, दोनों में कैंसिल हो गया, तो ये बोझाएगा वॉल्यूम 100 भी कैंसिल हो जाएंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/डेंसिटी डी, तो डेंसिटी की वैल्यू हो गई दिस इज 10/8 ग्राम पर ml, विच इज इक्वल टू 10/8 कर दें आप, सो 10/8 इट इज 1.25 ग्राम पर ml। तो ये 9th क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन को देखें, 10th क्वेश्चन में इट इज क्वाइट सिंपल, बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस यूरिया, एक्वस यूरिया का मतलब हुआ यूरिया प्लस पानी, तो साथ में वाटर प्रेजेंट है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, आप ये क्वेश्चन आप ही करना, हम आपको हिंट देते हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ, देखें आप, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, जबकि हम इसको मास ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज बॉर व्हाट, इट इज द सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन आप समझे, यहाँ यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का मॉलिकुलर मास जो होता है इट इज 60, तो मोल फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ एक्स यूरिया इज इक्वल टू मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, परसेंट की बात कर रहा है आपसे, मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ वाटर, तो इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन का अमाउंट मानना चाहिए, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 100 ग्राम हमारा क्या है, 100 ग्राम हमारा जो भी है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसको देखें आप, दिस इज द 0.2, या छोड़िए इसमें एक काम और कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग लिख सकते हैं एक्स ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये आएगा एक्स यूरिया अपॉन एक्स वाटर दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ वाटर, तो यूरिया का कितना वेट मोल फ्रैक्शन था, दैट इज द 0.2 अपॉन
0.8. इसको लिखे देते हैं मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ वाटर. मोल ऑफ यूरिया को समझना आप, मोल ऑफ यूरिया को भी डिस्क्राइब किए देते हैं. दिस इज द वेट ऑफ यूरिया अपॉन 60 अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन 18. तो ये वाली वैल्यू हमारी देखें कितनी हो गई. दिस इज इक्वल टू 1/4. 1/4 इज इक्वल टू 18 अपॉन 60 इंटू वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ वाटर. तो यहाँ से हमारा कल निकल के आ गया वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ वाटर. दिस इज इक्वल टू 60 अपॉन 18 इंटू 4. समझे आप? तो 60 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 4, दिस वैल्यू इज 5/6 विच इज 0.833. तो हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं कि वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू 5/6. इसका हम रेसिप्रोकल ले लें. यदि हम रेसिप्रोकल ले लें तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ यूरिया दिस इज इक्वल टू 6/5. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया. अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ वन ऐड किए देते हैं. तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ यूरिया प्लस वन दिस इज इक्वल टू 6/5 + 1. तो ये हमारा हो गया वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ यूरिया दिस इज इक्वल टू 11/5. फिर से रेसिप्रोकल ले लो तो वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू 5/11. नाउ द वेट परसेंट. वेट परसेंट का मतलब हो गया 5/11 इंटू 100. तो मीन्स 500 दैट इज 45.45. दिस इज द आंसर. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज 500 ppm. द डेंसिटी इज 1.02 g/mL. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. कॉन्सेंट्रेशन इज वॉट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज 500 ppm. तो हम यहाँ लिख रहे हैं ppm. देखें ppm इज वॉट द वेट ऑफ सॉल्यूट
upon weight of solution into 10 to the power 6. तो ppm आपको दिया हुआ है 500, इसको हम लिख देते हैं 500 into 10 to the power minus 6. This is equal to weight of solute upon weight of solution. अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ भी 100 और इस तरफ भी 100. तो दिस एंटायर टर्म इज व्हाट, दिस इज द परसेंटेज वेट बाय वेट. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसके बराबर है. तो बेसिकली ये हो गया 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100. सो दो तो ये हो गया, दो और दो चार, दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. So this value is 1/20, which is 0.05. अब आप देख सकते हो इसके अंदर 0.05 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. आपको मोलारिटी निकालनी है, तो 0.05 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी. तो 100 अपॉन 1.02, दैट इज इक्वल टू, ये ml में आएगा, नाइन्टी एट ml ऑफ सॉल्यूशन. अब बस आप मोलारिटी निकाल सकते हो. मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स. तो 0.05 डिवाइडेड बाय जो कंपाउंड आपको यहां दिया हुआ है, दैट इज द कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इसका मोलर मास हम ऐड किए लेते हैं, तो मोलर मास हो जाएगा कैल्शियम का 40 प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन 1, कार्बन इज 12, 3 ऑक्सीजन है, तो 48. तो 48 प्लस 12 प्लस 1, 61 इंटू 2, इट इज 122 प्लस 40, दिस इज 162. तो इसका मोलर मास कितना, 162. मोलर मास इज 162. आप देख सकते हैं कि 162 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. So 98/1000, this value is 0.05 into 1000 upon 162 into 98. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज कमिंग टू बी 3.14 इंटू
10 टू द पावर माइनस 3, इसी के आसपास कोई आंसर आप समझ गए होंगे. दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, बट लॉजिक्स थोड़े आपको पता होना चाहिए. देखो 0.115 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल वॉट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, कैलकुलेट द मोलारिटी. नाउ द मोलारिटी इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स. 0.115 अपॉन सोडियम इज 23 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 50/500 ml 1000. इसको आप कैलकुलेट कर लें, आएगा 0.01 मोलर. दिस इज द सॉल्यूशन. अब इस क्वेश्चन को देखना आप, हाउ मच VACl2 वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज 1 कंटेनिंग 3.78 ग्राम NaCl पर 100 ml, पर 100 ml. देखें हम, इसका मतलब ये ऐसा बोल रहा है, आप थोड़ा समझें. यहाँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों ने कुछ वाटर वगैरह लिया होगा और कुछ BaCl2 का x ग्राम लिया, यहाँ वाटर के साथ मिक्स कर दिया. इसमें वाटर के साथ मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन जो बना दैट इज द 250 ml. बोला है इसके अंदर जो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वही कंसेंट्रेशन, वही सेम चीज, वही सेम चीज. हमने यदि 100 ml सॉल्यूशन लिया, 100 ml में बना लिया और 3.78 ग्राम NaCl इसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसके अंदर का जो क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन होगा और इसके अंदर का होगा ये बराबर होगा. तो पूछ रहा है आपसे कितना BaCl2 हम ऐड करते हैं. देखें आप ध्यान से, हमने क्या करा, BaCl2 की मोलारिटी m मान ली और इसको जब हमने आयनाइज करा तो बेरियम 2+ + 2Cl-. तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्लोराइड आयन जो BaCl2 से आ रहे हैं वो कितने होंगे, NC-alpha. दिस इज द NC-alpha. N is 2, C इज द मोलारिटी ऑफ BaCl2. मोलारिटी ऑफ BaCl2 हम लोग लिखे देते हैं, समझे आप. दिस इज x इज द वेट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ BaCl2. दिस इज 137+71 208 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 250/1000. ये वो क्लोराइडाइन है जो BaCl2 में. इसके बाद क्लोराइडाइन जो आपका NaCl से आ रहा है ये हमारा होगा 3.78 डिवाइडेड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000. इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो. दैट x जो निकालोगे दैट x इज योर आंसर. देखें आप,
ये क्वेश्चन सिंपल है, हमने कई बार आपको बताया कि यहाँ निकालना है मोलालिटी, हमने आपको बताया कि मोलारिटी से मोलालिटी निकालना यूजिंग द डेंसिटी। तो मान लीजिए इसकी मोलारिटी आपको दी हुई है यहाँ पर 2 और डेंसिटी हमको दी हुई है 3.107 ग्राम पर ml। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर मोलालिटी निकाल लेंगे, समझे आप बात को, यहाँ इस मोलालिटी को हम निकाल देंगे। तो मोलालिटी जो हो गई ये NH4Cl की हो गई। अब बेसिकली ये आयनाइज होगा किस में, NH4+ और Cl-, तो इन दोनों की पूछेगा तो हम लिख देंगे इसकी भी NC-अल्फा और Cl- की भी NC-अल्फा। यहाँ पर C क्या हो गया, C इज द मोलालिटी, N का वैल्यू 1, अल्फा नहीं दिया तो 1। ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम ऑलरेडी ये चीज़ें आपसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इंटर कन्वर्जन कराते टाइम।